हेलो एवरीवन। सो स्टॉक है फोर डायमेंशन। बेसिकली काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि स्टॉक को रखो या बेचें, तो मैं ये बता रहा हूँ कि भी कैंडल बन किस टाइप कर रही है और कैंडल क्या शो कर रही है। ठीक है, अभी स्टॉक लगा हुआ है वीकली चार्ट फ्रेम पे, इसकी एक कैंडल पूरे वीक की है। ओके, सो इसमें जितनी भी कैंडल बनी नीचे से यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें आप देखो कहीं पर अपर में वीक, मतलब अपर में कहीं भी इसकी पूंछ नहीं होगी किसी भी कैंडल की, किसी की भी नहीं है। मतलब सारी कैंडल मारबूज हुए हैं, हैवी कैंडल है, इसकी अपर या लोअर शेडो नहीं है। ठीक है, अब इसमें आप देखो जो अभी इस वीक की कैंडल बन रही है, इसमें अपर शेडो है बट लोअर शेडो नहीं है। अब देखो ये इंडिकेट करती है इस टाइप की कैंडल कि इसमें सेलर्स स्ट्रांग है, यानी कि बेचने वाले खरीदार इसमें कमजोर है, बायर कमजोर है, सेलर स्ट्रांग है, ये कैंडल ये इंडिकेट कर रही है। ठीक है, अगर मैं उसको मंथली पे भी देखता हूँ तो मंथली पे भी यही सीन है इसका। ये देखो ऊपर शैडो है। अब आप ये तीन कैंडल देखो, लगातार तीन कैंडल्स, इसमें कहीं भी ऊपर इतनी लंबी शैडो नहीं है, एक यहाँ पे है बस, उसके बाद यहाँ पे शैडो है। ठीक है, अब जो मार्केट चल रहा है अभी के टाइम पे, इसको देखते हुए इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, मतलब कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, बाकी आप सब लोग समझदार हैं जो वीडियो देख रहे हैं। इसमें आप देखो इसमें अपर साइड कितनी, मतलब काफ़ी बड़ी है, इनमें किसी में नहीं है, इसमें है, बट मार्केट नीचे चल रही है अभी। और कल फ्राइडे है, कल मार्केट का क्लोजिंग है, कल क्लोज हो जाएगी मार्केट, तो यहाँ तक कल कितना ऊपर उठ सकती है, ऊपर तो कवर कर नहीं पाएगी, इसके आस पास कहीं क्लोज होगी। सो अभी फोर डायमेंशन स्टॉक ये चीज़ शो कर रहा है। ओके, सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।